भागलपुर में चल रहा कानूनी डंडा शराब तस्करी मामले में एक युवक को 10 साल की सजा और 1,00,000 का आर्थिक दंड। भागलपुर के नवगछिया अंतर्गत 6 जून 2021 को शराब तस्करी के मामले में एक युवक को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई एवं आर्थिक दंड के रूप में 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी किया गया। न देने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भी सुनाई गई। बताते चले कि नवगछिया पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर पता चला कि एक ग्रे रंग की कार रंगरा की ओर से आ रही है जिसमें भारी मात्रा में शराब है। 0 माइल टोल प्लाजा के पास पुलिस ने जब इस गाड़ी को रोकना चाहा तब गाड़ी और तीव्र गति में हो गई। शक के आधार पर उसे जबरन रोका गया और गाड़ी की जांच की गई तो उस गाड़ी से भारी मात्रा में विदेशी शराब पाई गई। करीब 162 लीटर से ऊपर विदेशी शराब थी। वहीं वाहन चालक हवेल मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया गया था। वो व्यक्ति शराब का व्यापार करता था जिसमें पुलिस ने जिस चालक को धर दबोचा था उसकी कोर्ट में केस का निष्पादन हुआ। उत्पाद कोड 2 के एडीजे 12 शरद चंद्र श्रीवास्तव ने इस केस का निष्पादन करते हुए हवेल मुर्मू को 10 साल कारावास की सजा सुनाई और आर्थिक दंड के रूप में उसे 1,00,000 रुपए का जुर्माना देने की सजा सुनाई। न देने पर 6 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा दी जाएगी। ये बात उत्पाद कोड 2 के APP एक्साइज भोला कुमार मंडल ने दी। धारा 30 ए जो 6/6/2021 को पुलिस को खबर मिली कि एक ग्रे रंग का कार रंगरा इधर से आ रही है और भारी मात्रा में शराब का खेप लेकर के जा रहा है। टोल प्लाजा 0 माइल और टोल प्लाजा के बीच में गाड़ी को रोकने का इशारा दिया लेकिन गाड़ी का ड्राइवर भागना चाहा। पुलिस की स्फूर्ति के कारण वह पकड़ाया और उस कार में 162 लीटर से ऊपर विदेशी शराब बरामद हुआ और वह उस ड्राइवर का नाम था हवेल मुर्मू जिसका विचारण आज माननीय शरद चंद्र श्रीवास्तव ADJ 12 उत्पाद कोड 2 में विचारण हुआ और आज सजा सुनाई गई। उसमें 30A में दोषी उनको पाया गया और उसे 10 साल की सजा और 1,00,000 रुपया जुर्माना नहीं देने पर 6 महीनों की अतिरिक्त सजा। भोला कुमार मंडल एक्साइज PP कोड 2।